अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ती की डिज़ाइन, जो आप कुर्ती पे भी बना सकते हो और अपने दस्तरखान पे भी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सी बॉर्डर डिज़ाइन है और बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का भी, और बहुत ही आसान है, ये कोई भी बना सकता है। तो मैं ब्लैक कलर के कपड़े पर आज आपको डिज़ाइन बताऊँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारे हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले ड्रेस पेपर पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रखी है और हमने वाइट कलर पर कार्बन लिया है। कार्बन पर हम डिज़ाइन कार्बन की मदद से हम कपड़े भी उतारेंगे। पहले हमने कपड़ा रखा है, उसके बाद कार्बन रखा है, उसके बाद जिस पे हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है वो ट्रेस पेपर रखा है, और जितनी भी हमारे डिज़ाइन की आउटलाइनिंग हैं उस पे हम पेंसिल को चलाएंगे, यानी कि डिज़ाइन को दोहराएंगे, दोबारा से बनाएंगे, तो हमारी जो डिज़ाइन रहेगी वो कपड़े पे आ जाएगी। और ये वाइट कार्बन से बनाएंगे जब हम, तो हमारी जो वाइट हमारा ब्लैक कलर कपड़ा है उस पे हमारी डिज़ाइन काफ़ी उठ के दिखेगी, तो हमें पेंटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। तो अभी मैं आपको डिज़ाइन कंप्लीट करके अपनी क्लियर, जो हमारी क्लियर बेल बनेगी उसको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बनी है, और साथ ही मैं आपको पेंटिंग भी बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे किसी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं ड्राइंग सिखाऊं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्राइंग करके बताऊँगी कि किस तरह से आप छोटे से फ्लावर को तैयार करोगे और किस तरह से उसको ट्रेस पेपर पर बना के डिज़ाइन को ज्वाइन करोगे और ये इस तरह से बेल बनाओगे। फ्लावर को ड्रा करने का उन्होंने तरीका पूछा है जो मैंने इससे पहले की वीडियो अपलोड की है उसमें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखिएगा ज़रूर कि किस तरह से हम एक छोटी सी डिज़ाइन को अपने बेल में बदलते हैं, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी बताऊँगी, ताकि आपको भी अपने हिसाब से बेल बनाना आ जाए। अगर आप किसी चीज़ पे बनाना चाहते हैं, बेडशीट पे डिज़ाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो बेडशीट में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी, और पतली छोटी भी रहेगी तो भी कोई बात नहीं। जैसे छोटे फ्लावर हैं बेडशीट पे बनाते हैं, तो अगर आप पतली बेल बनाते हैं तो आप उसको दो तीन लेयर में बनाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये आपको ड्रेस के लिए बता रही हूँ, अपने ड्रेस पर अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत सी बेल हमारी तैयार है। ये देखिए, ब्लैक कलर पे हमारी बेल काफ़ी खूबसूरत सी दिख रही है, और इसकी पेंटिंग भी हम आपको बताएंगे अभी इसकी पेंटिंग किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हमने लाइट ग्रीन कलर लिया हुआ है, लाइट ग्रीन कलर लेंगे फिर भी कपड़े पे आप देख सकते हैं कि हल्का दिख रहा है, तो इसको हाईलाइट दिखने के लिए, मतलब उसको और उठ के दिखे, इसके लिए हमें थोड़ा सा वाइट कलर लेके इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करते हुए हमें पेंटिंग बनानी है इस तरह से। ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो अच्छी दिखे, हाईलाइट होकर दिखे, क्योंकि ब्लैक कलर कपड़े पे कलर जब हम लगाते हैं तो वो हमारा कलर जो है छिपने लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम उसमें वाइट कलर का ऐड करते हैं ताकि हमारा जो कलर है वो लाइट हो जाए और थोड़ा उठ के दिखे, अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम लिप में भी वाइट कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी तरह से सारी लिप को बनाएंगे। लिप बनाने के बाद हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की और भी बहुत सारी डिज़ाइनें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाती रहूँगी मैं आपके लिए इस तरह की बहुत खूबसूरत सी खूबसूरत बेल और डिज़ाइन। आप अपनी कुर्ती की भी पेंटिंग इसके कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि कुर्ती के लिए मैंने बनाया है, खास मैंने कुर्ती के लिए ही बनाया है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट होती है कि मैं कुर्ती डिज़ाइन बताऊं,
तो ये डिज़ाइन उनके लिए है जिन्होंने कुर्ती डिज़ाइन की मांग की थी। तो ये बेल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप अपनी लंबी सी कुर्ती अगर सीते हैं तो उस पर आप इसको चौक पे बनाएं और आप ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये हमारे ग्रीन कलर का वर्क हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर कैसे हमें बनाना है। बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने से और बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो फ्रेंड्स पहले हमें क्या करना है, जो हमारा वाइट कलर है हमें उसे फिल करना है ऊपर साइड में। उसके बाद हमें कलर फिल करने के वाइट कलर फिल करने के बाद नीचे साइड से हमें रेड कलर लगाना है और हल्का सा शेड ऊपर की तरफ देना है ताकि हमारा जो वाइट कलर है वो हल्का सा लाइट पिंक में आए और इस तरह की हमारी पंखुड़ी बने। और इसी तरह से हम फ्लावर भी बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारी ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगा और इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये डिज़ाइन पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ऊपर कलर ऊपर की तरफ से वाइट कलर लगाया है और नीचे की तरफ से वाइट कलर रेड कलर लगाया है। दो कलर से ये शेड बहुत अच्छे बन रहे हैं और हमारे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा उठ के दिख रहे हैं। अभी आप पूरी बेल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये बेल लग रही है और कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कलियाँ तैयार हैं। अब हम आपको फ्लावर करना बताएंगे कि किस तरह से हमारा फ्लावर होगा। बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो हमने क्रिम्सन का रेड कलर लिया हुआ है और लाइट ग्रीन लिया हुआ है, वाइट कलर लिया हुआ है। तीन ही कलर से हमारी पेंटिंग जो है रेडी हो जाएगी सूट की। आपको ज़्यादा कलर नहीं ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी है। यहाँ से पहले ऊपर के हिस्से से हमें वाइट कलर लगाना है, फिर नीचे के हिस्से से हमें रेड कलर लगाना है और दोनों शेड को एक दूसरे में मिक्स कर देना है। और हमें जॉइंट नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा जॉइंट कहाँ है। बहुत लाइटली शेड देना है आपको रेड कलर का। तो आप हर जो पेटल्स है हमारी, हर पेटल्स में हम ऊपर की तरफ वाइट लगाएंगे और नीचे से रेड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने वीडियो में और भी आपकी ज़रूरत के लिए बताया है कि आप ब्रश को किस तरह से साफ़ करेंगे, ये भी मैंने बताया है। और ब्रश को किस तरह से धुलना है ये मैं आपको इसमें बताऊँगी। और अगर आपके हार्ड ब्रश हो गए हैं तो इसकी भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि किस तरह से अपने ब्रश को फिर से पहले जैसा अच्छा बना दें, जैसा वो न्यू रहता है उस तरह से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच बीच में हम काफ़ी अपनी ज़रूरत की बातें बताते हैं जो हमें पेंटिंग में जिसकी ज़रूरत होती है और जैसा हम बनाना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आता। आपको टोटल जानकारी जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो अगर आपको बीच में कभी पेंटिंग करते टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें पेंटिंग करनी है। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वीडियो देखते हैं उसके बाद भी पूछते रहते हैं क्या है कैसे है क्या है। तो अगर आप यही पूरी वीडियोज़ देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि कहाँ क्या कौन सा क्या चीज़ यूज़ करना है क्या लेना है कैसे करना है सब समझ आ जाएगा। तो ये पेंटिंग करने के लिए आप अगर बिगिनर्स हैं मतलब फर्स्ट टाइम आप बहुत कम पेंटिंग किए हैं या फिर आप पेंटिंग करना स्टार्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे मैंने 2 नंबर फ्लैट ब्रश लिया है। अगर आप चाहते हैं तो 2 नंबर से कर सकते हैं लेकिन नहीं तो आप क्या करें कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का पिन ब्रश यूज़ करें। पिन ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि जो हम नोक वगैरह बनाते हैं कॉर्नर वगैरह फ्लावर में बनाते हैं वो हमारा पिन ब्रश से काफ़ी अच्छा बनता है। तो मुझे काफ़ी मतलब कि वो है प्रैक्टिस है बनाने की और मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है 2 नंबर ब्रश से बनाना इसलिए मैं कभी पिन ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग को पिन ब्रश की ज़रूरत है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा 2 नंबर ब्रश का यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किनारे का पार्ट जो है सारा की सारा बना लिया है। अब हम ये बीच वाला पार्ट बनाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहले बीच वाला पार्ट जो है ऊपर का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो जो हम नीचे का जब बनाएंगे तो हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बीच वाला पार्ट जो ऊपर का है वो बन चुका है। अब हम जो मेन है हमारा बिल्कुल बीच का उसे हम बनाएंगे। तो पहले हम वाइट कलर लेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं आधे दूर तक हमने कलर को फिल किया है डिज़ाइन में और इस तरह से नीचे की साइड से रेड कलर को फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा फ्लावर रेडी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस टाइम हमने जितना पेंटिंग की है उतनी ही डिज़ाइन हम अपने ड्राइंग में बनाएंगे और उसको फिर डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन रख के ज्वाइन करते चले जाएंगे और डिज़ाइन को उल्टा सीधा करके ड्रॉ करेंगे ताकि एक फ्लावर का झुकाव हमारा इस तरफ हो और एक फ्लावर का झुकाव हमारा दूसरी तरफ हो। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्राइंग किस तरह से हमारी बनी है। तो अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ड्राइंग बनाना बताऊंगी कि किस तरह से इसकी ड्राइंग करेंगे कि आपको इजीली समझ आएगा कि किस तरह से बनाना है। तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि ड्राइंग किस तरह से करनी ताकि आपको ड्राइंग भी समझ आए कि किस तरह से ड्राइंग बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक फ्लावर रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत सा है बहुत ही प्यारा सा हमारा फ्लावर बना है। और इसी तरह से हम बाकी के भी जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर हैं इसी तरह से हम बनाएंगे। फ्रेंड्स पिछले आखिरी वीडियो में आखिर की वीडियो में ज़रूर देखना मेरी क्योंकि मैंने उसमें ब्रश के बारे में बताया है। क्योंकि अगर आप जो है कि आप अगर पेंटिंग करना स्टार्ट किए तो आपके लिए ज़रूरी है और ब्रश वाला जो लास्ट में हमने अपलोड किया है ब्रश के मतलब साफ़ करने के टाइम का हमने अपलोड किया है ताकि आपको भी समझ आ जाए कि किस तरह से ब्रश को धुलना है बहुत तो आपको बराबर ब्रश कैसे साफ़ करना है समझ आ जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स से कन्फ्यूज रहते हैं ब्रश को कैसे साफ़ करें क्या करें तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लास्ट फ्लावर है और मैं इस फ्लावर को लाइट बना रही हूँ। दोनों फ्लावर जो हमारे बने हैं पहले के वो काफ़ी डार्क हैं और ये जो फ्लावर मैं बना रही हूँ ये हमारे थोड़े लाइट हैं। तो अगर आप लाइट को आपको अगर लाइट पसंद है तो आप लाइट बना सकते हैं, अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क बना सकते हैं। लाइट वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और डार्क वाला भी खूबसूरत लग रहा है। लाइट वाले में हमें लाल रेड कलर का जो हमारा हम रेड कलर लगाते हैं उसको हमें बहुत हल्का शेड देना है तो हमारा जो फ्लावर वो काफ़ी लाइट कलर आएगा, हल्का पिंक आएगा। तो दोनों फ्लावर से ये अलग फ्लावर है, आप इसमें आपको फ़र्क दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा फ्लावर बना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी इस तरह से हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जब मैं ब्रश को किस तरह से वॉश करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश को अपने लें, जो ब्रश हम पेंटिंग करते हैं इसको आप इस तरह से पानी लें और इस तरह से हल्के हाथों से उसको घुमाएं, अंदर बिल्कुल नहीं घसना है ब्रश को, उसको अंदर ना रफ करें, बिल्कुल पानी के बीच में घुमाएं। इस तरह से आपका कलर निकल जाएगा और इसको कॉटन से या फिर टिशू पेपर से आप जिससे साफ़ करना चाहें इस तरह से साफ़ कर दें। देखिए कलर हमारा निकल गया है और जो किनारे साइड कलर बचते हैं हमारे इस तरह के उसको अगर आपको निकालना है तो वो भी उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह से हम अपने ब्रश को साफ़ करें कि वो हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाए, नए जैसा हो जाए। तो आप जितने अपना ब्रश को अपने जो अपने ब्रश को क्या करना है कि रफ़ नहीं करना है और उसको घसना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम रफ़ करते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं वो फैल जाते हैं इधर उधर, तो उसको आप घसना और आराम से ब्रश को धुलें ताकि आपके ब्रश अच्छे हों। ये हमारे 2 नंबर के फ्लैट ब्रश थे जिससे हमने पेंटिंग की है और ये हमारा कॉटन का फेब्रिक था जिस पर हमने पेंटिंग किया है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आऊँगी मैं आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो देकर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।